मॉर्निंग बच्चों, आज मैं फिर से आपके सामने वीडियो के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शिक्षा के उद्देश्य, मतलब शिक्षा आयोग द्वारा दिए गए शिक्षा के उद्देश्य। लास्ट वाले वीडियो में हमने पढ़ा था शिक्षा आयोग द्वारा दिया गया शिक्षा का अर्थ, मतलब उनके अनुसार शिक्षा का क्या मतलब निकलता है, इस बारे में हमने जाना था। तो आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे शिक्षा आयोग के उद्देश्य। तो ये शिक्षा आयोग के उद्देश्य विभिन्न प्रकार के हैं, चलिए पहले हम इसके नाम देख लेते हैं। पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा है सामाजिक विकास, चौथा है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, पांचवा है चारित्रिक विकास, छठा है आध्यात्मिक विकास, सातवां है राष्ट्र की भावना, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, आठवां है नेतृत्व के गुणों का विकास और नवा है अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास। तो शिक्षा आयोग ने बोला है कि हमारे देश की शिक्षा में छात्रों के लिए अगर इस प्रकार के विकास होंगे तो काफी सुधार हो सकता है शिक्षा व्यवस्था में और छात्रों के जीवन में भी काफी सुधार हो सकता है। तो पहले चलिए समझ लेते हैं कि शारीरिक विकास से इन्होंने किस प्रकार से इसको महत्व दिया है। इनका कहना है कि शारीरिक विकास जो है वो बालकों के लिए, छात्रों के लिए अत्यंत आवश्यक विकास है, क्योंकि कहते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका विकास बहुत ही कम होता है, शरीर का विकास भी कम होता है और मानसिक विकास भी बहुत कम होता है। पर दिन जब बालक अपनी आयु में बढ़ोतरी करता है तो क्या होता है, उसका शरीर का भी विकास होता है। पर सिर्फ बाहरी दृष्टि से देखा जाए कि शरीर का विकास हो रहा है, पर उस विकास को हम विकास नहीं मानेंगे, बल्कि शारीरिक विकास तब होता है जब हम उन विकासों को करने के लिए कुछ उच्चतम उपयोग या कुछ उत्तम कार्य करें। जैसे आजकल विद्यालय में आप देख रहे हैं कि शारीरिक विकास के लिए योगा, गेम्स है ना, और खेल कूद की भावना वो करते हैं, सहयोग की भावना, पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन करते हैं। किस लिए? ताकि शारीरिक विकास हो सके। तो छात्रों में इस प्रकार का शारीरिक विकास जो है वो अत्यंत आवश्यक है। आयोग चाहता है कि बालकों के शरीर के विकास के लिए सभी विद्यालयों में खेल कूद, व्यायाम है ना, और पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाए और ये सभी के लिए समान रूप से एक समान हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और हर विद्यालय में इसका पालन होना आवश्यक है। किस लिए? छात्रों के शारीरिक विकास के लिए। इसके बाद मेरा दूसरा पॉइंट हमारा है मानसिक विकास। मानसिक विकास, जैसा कि हमने आपको बताया कि जब बालक का जन्म होता है तो उसकी शरीर का भी विकास कम हुआ होता है और मस्तिष्क का विकास भी कम हुआ होता है। तो दिन पर दिन जब बालक बढ़ता है तो उसका शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास भी आवश्यक है। अब मानसिक विकास इसलिए आवश्यक है, जब बच्चा अपने मानसिक विकास को बढ़ाएगा, शिक्षा द्वारा पढ़ेगा, तो उसके सोचने की क्षमता, उसके विचार करने की क्षमता है ना, उसकी बातों को समझने की क्षमता का भी विकास होगा। इसी को बोलते हैं मानसिक विकास। तो किस प्रकार से मानसिक विकास होता है तो निरीक्षण, स्मरण, कल्पना, तर्क आदि शक्तियों का भी विकास होता है। तो जब शरीर के साथ मस्तिष्क का विकास होता है तो उसमें कौन सी बातों का विकास होता है, स्मरण शक्ति, कल्पना, तर्क शक्ति का भी विकास होता है। जब इस प्रकार के विकास बालक या छात्रों के जीवन में हो जाते हैं तो वो अपनी बातों को कहने में, बातों को समझने में, अपनी समस्या को समाधान निकालने में सक्षम हो पाते हैं। किस विचार विकास के द्वारा? मानसिक विकास के द्वारा। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया बच्चों। अब हमारा है तीसरा पॉइंट, सामाजिक विकास। बालक का सामाजिक विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य है। जैसे कि आप जानते कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है, तो समाज के अनुरूप उसको क्या क्रिया करनी चाहिए ये भी एक आवश्यक बात है। और सामाजिक विकास तभी हो पाएगा जब हम शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, बच्चों को या बालकों को शिक्षा प्रदान कर पाएंगे। सामाजिक विकास समाज के नियमों के अनुरूप बालकों में व्यवहार करने की योग्यता का विकास करता है जो शिक्षा द्वारा दी जा सकती है।
शिक्षा उसमें सद्गुरु सद्गुरु प्रेम सहयोग सहानुभूति दया सहनशीलता त्याग आदि का विकास करता है। शिक्षा मतलब जब शिक्षा के द्वारा आप सामाजिक विकास करते हैं तो बालकों में किन किन चीजों किन किन बातों का विकास होता है, त्याग दया सहानुभूति है ना, प्रेम आदि की भावना का विकास होता है इसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा होता है। तो इस प्रकार भी शिक्षा आयोग ने क्या कहा है कि बालक के विकास के लिए सामाजिक विकास का भी होना बहुत जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। और ये विकास कब हो सकता है, जब अपने पाठ्य क्रियाओं में या पाठ पुस्तक में सामाजिक विकास की भावना को या सामाजिक विकास का एक टॉपिक हम इसमें डालें, तभी इस चीज को हम संपन्न कर सकते हैं। इसके बाद क्या है हमारा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। शिक्षा का अन्य उद्देश्य बालक के व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा द्वारा उसे इस प्रकार शिक्षित किया जाना चाहिए जिससे उसे जीवन के हर क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक में सफलता मिल सके। क्या शिक्षा आयोग का क्या कहना है कि जो व्यक्ति है या छात्र है उसके व्यक्तित्व का पूरा विकास करना चाहिए, मतलब जिस भी क्षेत्र में जाए, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, उन सब क्षेत्रों का जब उसको ज्ञान होगा तो उसका तो क्या बोला जाएगा, सर्वांगीण विकास होगा। जब इस प्रकार का विकास वो कर पाएगा तो वो अपने अपनी समस्याओं का हल ढूंढ पाएगा और आत्मनिर्भर बन पाएगा, आत्मसम्मान आत्मविश्वास है ना, और आत्मनियंत्रण कर पाएगा। मतलब जब व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो जाएगा तो वो आत्मनिर्भर आत्मसम्मान और आत्मनियंत्रण मतलब अपने आप को कंट्रोल अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने में सक्षम हो पाएगा। किस कारण, व्यक्तित्व की व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास के कारण। इसके बाद बच्चों है चारित्रिक विकास। शिक्षा आयोग का कहना है कि बालक के क्षेत्र में चारित्रिक विकास होना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि चरित्र के द्वारा ही हम एक हम समाज में कुछ नया निर्माण कर सकते हैं है ना, और देश में अतीत काल से चारित्रिक विकास का विकास पर अधिक जोर दिया जा रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना उत्तम चरित्र के अपनी प्रगति नहीं कर सकता। तो जब देश जब आप सुन रहे हैं कि गुरुकुल के टाइम से प्राचीन काल से ही चरित्र पर चरित्र के विकास पर भी बहुत फोकस किया जाता है, और गुरुकुल से जो गुरु होते हैं वो भी चाहते हैं कि चरित्र का विकास बालकों में हो, ताकि वो समाज में जो भी क्रियाएं होती हैं उनको समझ सकते हैं, उनको निरंतर कर सकें और सही और गलत की भावना को समझ सकते हैं कि किस चीज को करने से सही है हमें सही फोकस मिलेगा और किस काम को करने से हमें गलत राह मिलेगी। तो चरित्र विकास का होना भी बहुत अत्यंत आवश्यक है शिक्षा आयोग के द्वारा, और इस विकास को भी हम इस विकास का विकास भी शिक्षा द्वारा हम कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हमारा है आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास करना भी शिक्षा का अन्य उद्देश्य है, ताकि शिक्षा द्वारा मनुष्य का आध्यात्मिक विकास किया जा सके। चूंकि अतीत काल से भारत में मानव जीवन का यथार्थ प्रयोजन भौतिक एवं सांस्कृतिक उन्नति करना नहीं रहा है, वरन आध्यात्मिक उन्नति करना रहा है, ताकि मनुष्य इस मिथ्या जगत के जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सके और मोक्ष प्राप्त कर सके। तो शिक्षा का कहना यह भी है कि केवल भौतिक जगत और सांसारिक जगत की शिक्षा प्राप्त करना या उसके बारे में बताना ही आवश्यक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक हमारी संस्कृति हमारे संस्कार जो आध्यात्म से जुड़े हुए हैं उसके बारे में भी शिक्षा प्रदान करना बहुत ही आवश्यक है, ताकि बालक या छात्र या व्यक्ति इन सांस्कृतिक और भौतिक चीजों का उपयोग कम से कम करे और वो आध्यात्म की ओर जुड़ता रहे और उसे वो जान पाए कि मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है, सही गलत का हम कैसे अंकलन कर सकते हैं, कैसे ही समाज को शिक्षित कर सकते हैं, किस क्या आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा। इसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रीयता की भावना का विकास। राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना भी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि
कोई भी राष्ट्र तभी प्रगति कर सकता है जब उसके नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो सके। मतलब शिक्षा आयोग का कहना है राष्ट्रीय भावना, पर चाहे कोई भी भारत देश हो या कोई भी देश हो, अमेरिका कुछ भी हो या चीन जापान कुछ भी देश हो, तो उनमें ये अपने भारत या अपने देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना होना बहुत जरूरी है। ये किस प्रकार से हम कर सकते हैं, भावना किस प्रकार से छात्रों के जीवन में डाल सकते हैं, शिक्षा द्वारा इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि जब जब उसके नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो, तब राष्ट्रीयता की भावना में कोई भी देश सुदृढ़ हो सकता है। मतलब जब सभी छात्रों में या सभी लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होगा, तो हमारा देश को एक मजबूती और एक विकास की ओर जाने का मार्ग मिलेगा। तो इस प्रकार जब छात्र का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक व्यक्तित्व विकास, चारित्रिक विकास, आध्यात्मिक विकास होगा, तो इन सारे विकासों को जोड़ के जो एक नया विकास उत्पन्न होगा, क्या होगा, राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रीयता भावना जब विकास होगा तो क्या होगा, हमारे देश का भी विकास होगा और शिक्षा आयोग के जो उद्देश्य हैं उनमें भी सुधार बढ़ आएगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेतृत्व के गुणों का विकास। शिक्षा के मुख्य उद्देश्य शक्ति के व्यक्ति के नेतृत्व के गुणों का विकास करना है। शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि व्यक्ति में नेतृत्व के गुणों का विकास हो पाए। किस प्रकार कर पाएंगे, वो शिक्षा द्वारा कर पाएंगे। क्योंकि उनका मानना है कि देश का भविष्य कुशल करने के लिए एक कुशल नेतृत्व होना चाहिए और नेतृत्व के जो गुण हैं उनका भी उनको भी अच्छी तरह से हो, ताकि समाज में अनुशासन, सहनशीलता, त्याग एवं न्याय जैसे आदर्श गुणों का समावेश होना चाहिए, हो सके। नेतृत्व गुणों का विकास होगा शिक्षा द्वारा समाज में या बच्चों में, तो किसकी भावना का विकास होगा, अनुशासन, सहनशीलता, त्याग, न्याय आदि जैसे चीजों का विकास होगा। तो जब क्या बोलते हैं छात्रों के जीवन में इन सारे पॉइंट को कहा जाएगा, तो क्या जब इन सारे पॉइंटों को यूज करा जाएगा तो क्या होगा, नेतृत्व का विकास होगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा है अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास। तो शिक्षा आयोग ने यह भी इस बात का भी उद्देश्य दिया है कि छात्रों में अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो, क्योंकि जब हमारा राष्ट्र, हमारा देश जो है एक दूसरे देश से किसी न किसी कार्य से परस्पर जुड़ा हुआ है, और अगर देश में अंतर्राष्ट्रीयता की भावना नहीं होगी तो देश का विकास होना संभव नहीं है। तो अगर सभी लोगों में अंतर्राष्ट्रीयता की भावना होगी, है ना, एक दूसरे से परस्पर संबंध अच्छे बनेंगे, तो क्या होगा, विश्व बंधुत्व का विकास होगा। और इस भावना का विकास करने के लिए हमें शिक्षा की आवश्यकता पड़ेगी। तो शिक्षा द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय की भावना का विकास हम कर सकते हैं। क्यों, शिक्षा आयोग के द्वारा, ताकि क्या बोलते हैं देश के संबंध जो है तो और अन्य देश से संबंध खराब ना हो, और हमारे देश में दूसरे से आयात निर्यात है, इसलिए हमारे देश में ये अंतर्राष्ट्रीय ताकि भावना का विकास किया जाना बहुत ही आवश्यक है छात्रों के शिक्षा में, छात्रों के जीवन में शिक्षा के अनुसार आवश्यक है। तो बच्चों ने क्या पढ़ा, शिक्षा आयोग के उद्देश्य पढ़े हैं और ये हमारे शिक्षा आयोग के उद्देश्य हैं। ये बहुत इंग्लिश बहुत ही सिंपल है, आप बस एक बार रिविजन कर लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आप एग्जाम में आए और आप इसको लर्न करते रहिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। गुड बाय।